Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So in today's video, we're going to talk all about rosemary water. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. So what is rosemary water? Rosemary is an ingredient that has a lot of hair benefits. So India mein hair fall aur hair growth ki problem bahut common hai. And the only proven solution for reducing or stopping hair fall is minoxidil. And rosemary water is equivalent to 2% minoxidil. So it has a lot of hair benefits and आप लोगों ने videos देखे होंगे, काफी लोग इसे use कर रहे हैं और videos बना रहे हैं कि उनके बाल झड़ना रुक गए और जहाँ पे उन्हें बाल नहीं थे वहाँ भी बाल आ गए इसे use करने से. So yes, this is very beneficial ingredient. So आज मैं आपको बताऊंगी ये क्या है, इसके फायदे क्या है, इसे कैसे बनाना है, कैसे use करना है and आपको क्या results देखने को मिल सकते हैं. So let's get started. So if you have been following me, you must have known that I love using rosemary oil. I think 2-3 years ho chuke hai mujhe ise use karte hue. So main ek oil banati hu jisme main iski 2-3 drops dalti hu. Isko aap aise hi use nahi kar sakte. So if you want the recipe on how I make that oil, comment down below and I will make a separate video about it. So coming on to rosemary oil, इसको आप ज़्यादा use नहीं कर सकते because ये oil है. मैं इसे हफ्ते में एक बार use करती हूँ and काफ़ी time use करने के बाद मुझे इससे नए बालों की growth दिखी है and hair fall में भी काफ़ी improvement दिखा है. So इसीलिए मुझे rosemary water भी try करना था. So rosemary water बनाने के लिए आपको चाहिए होती है fresh rosemary leaves. इसके लिए मैंने काफ़ी सारी नर्सरीज घूमी एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट ईजी टू फाइंड. काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे इतना छोटा सा प्लांट मिला था, वो भी बड़ा नहीं और कुछ टाइम बाद सूख गया. सो फाइनली आई ऑर्डर द ड्राई लीव्स जो ईजिली आपको अमेजोन पर मिल सकता है. ये वाला मैंने ऑर्डर किया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड आई वुड सजेस्ट आप यही ऑर्डर कर लो, ज़्यादा ढूंढो मत क्योंकि रोजमेरी प्लांट इतना ईजिली मिलता नहीं है. सो द रेसिपी दैट आई फॉलो टू मेक रोजमेरी वाटर, इसको यूज़ करके लेट्स स्टार्ट. एक पैन में आप 3-4 कप्स वाटर ले लो और उसमें 3-4 टेबलस्पून ऑफ रोजमेरी ड्राई लीव्स ऐड करो. देन आप चाहो तो आप बस इतना कर सकते हो, लेकिन आई लाइक टू ऑल्सो ऐड जिंजर एंड मिंट लीव्स. नाउ दीज बोथ इंग्रीडियंट्स आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर, सो इसीलिए मैं भी इसे इसमें डाल देती. इसको आपको 25 मिनट्स तक बॉयल करना है एंड ट्रस्ट मी इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, जब ये बॉयल हो रहा होगा आपको पूरे किचन में इसकी खुशबू आएगी. सो ये बॉयल हो जाए उसके बाद आप इसको ठंडा होने दो एंड देन आप एक स्प्रे बॉटल में इसको स्टोर कर लो एंड फ्रिज में रख दो. इसको आप 2-3 वीक्स तक यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप वापस फ्रेश बना लेना. सो मेरे पास बड़ी स्प्रे बॉटल है नहीं, इसलिए मैं एक प्लेन बॉटल में स्टोर करके एक छोटी स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करके यूज़ करती हूँ. अब इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये रोजमेरी वाटर है, ऑयल नहीं, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो जो काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज इससे आपको काफ़ी बेटर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे. सो एवरी डे जब मैं अपने बाल सुलझाती हूँ, सुबह या रात में आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको ऑल ओवर अपने स्कैल्प पे अच्छे से स्प्रे कर लो और 5-10 मिनट तक मसाज भी कर लो. ये वाटर है इसलिए इसको आप छोड़ दो, 10-15 मिनट में खुद ही सूख जाएगा, उसके बाद ही आई टाई माई हेयर. सो एक चीज़ जो मैं बोल सकती हूँ वो ये कि इसको यूज़ करने का ना कोई भी नुकसान नहीं है. मैं इसको अब 7 डेज से यूज़ कर रही हूँ तो एज इन ज़्यादा फ़ायदे भी मैं नहीं बता सकती क्योंकि इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है. और बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने नोटिस किया है कि मेरी हेयर की जो वॉल्यूम है उसमें मुझे थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है. सो हेयर के टेक्स्चर में मुझे काफ़ी अच्छा चेंज देखने को मिला है, मुझे हेयर टेक्स्चर काफ़ी अच्छा फील होता है एंड थोड़ा चेंज तो मुझे दिखता है. अगर हेयर फॉल की बात की जाए सो अगेन एज आई सेड 7 डेज में नहीं दिखने को मिलते रिजल्ट्स, हो सकता है आपको ईयर्स भी लग जाए रिजल्ट्स देखने पे, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं इसको स्टार्ट किया है कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स देखने को बिल्कुल मिलेंगे. आप भी वैसे ही शुरू करो. अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं या आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, आई थिंक आपको एक अच्छे डॉक्टर या फिजिशियन को दिखाना चाहिए बिकॉज ये चीज़ें जो होती हैं ज़्यादातर डेफिशिएंसीज और डाइट से रिलेटेड होती हैं. आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट यूज़ करें और डाइट का काफ़ी अच्छा रोल होता ही है, अच्छा खाओ पियो, साथ ही में आप ये चीज़ें यूज़ करोगे तो आपके हेयर में आपको अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा. सो एक महीना हो जाए मुझे इसको लगाते हुए, अराउंड 2 वीक्स बाद मैं फिर से एक अपडेट डालूंगी. आई विल बी पोस्टिंग रेगुलर अपडेट्स ऑन दिस, सो येस स्टे ट्यून्ड एंड उसको ज़रूर मिस नहीं करना. सो येस, अगर आपको रोजमेरी ऑयल की रेसिपी चाहिए तो कॉमेंट डाउन बिलो एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाई.